हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आईबी ने जारी किया अलर्ट, 12 मई को पश्चिम बंगाल में आतंकी कर सकते हैं हमला, बांग्लादेश में भी आतंकी हमले का खतरा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हिंदू बौद्ध मंदिर को निशाना बनाने की साजिश। 1984 सिख दंगों पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी ने सैम पित्रोदा से माफी मांगने को कहा, 1984 को भयानक त्रासदी बताया। सैम पित्रोदा ने कहा कि मेरा बयान गलत नहीं है, गलत ढंग से पेश किया गया। टाइम मैगजीन में छापे गए मोदी पर लेख को मोदी को विभाजनकारी बताया गया, बीजेपी ने लेख को प्लान एजेंडा बताया। शहबाज हुसैन ने कहा मोदी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेख लिखने वाले पाकिस्तानी होंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मोदी की तुलना की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से, कहा भारत का हुआ है पूरी दुनिया में सम्मान। इंदौर में नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया विवादित बयान, कहा दुर्योधन और मोदी में फर्क नहीं, महात्मा गांधी ने गोरे अंग्रेजों से आजादी दिलाई, आप काले अंग्रेजों से दिलाओ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी वोटों के लिए हवाले के जरिए पैसे मंगवा रही है। ममता बनर्जी का मीडिया पर हमला, कहा नेशनल चैनल मोदी के माउथपीस है, बोलेंगे तो मोदी, मोदी के सिवा कुछ नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी मीडिया पर दिया विवादित बयान, कहा सूचना प्रसारण मंत्री रह चुका हूं, जानता हूं मीडिया का जमीर कितने पैसों में बिकता है। गंगा सफाई पर नितिन गडकरी का राजीव गांधी पर निशाना, कहा 1984 में शुरू हुआ था अभियान, 30 साल में भी कांग्रेस सफाई नहीं कर पाई गंगा की, बीजेपी सरकार ने गंगा सफाई की तो प्रियंका ने गंगा का पानी पिया। पीएम मोदी ने आज यूपी में की 2 जनसभाएं, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में करेंगे रैली को संबोधित। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें।